मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए बांदा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है। आज बांदा एसपी की अगुवाई में शहर में पुलिस व पैरामिलिट्री ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को सुरक्षित मतदान का भरोसा दिलवाया व निडर होकर मतदान का प्रयोग करने की अपील की है। बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र में मतदान होना है और मतदान को लेकर जिला प्रशासन बेहद सतर्क बरत रहा है। इसी को लेकर मतदान के एक दिन पूर्व आज देर शाम पुलिस अधीक्षक गणेश साहब की अगुवाई में सुरक्षा बलों ने शहर में फ्लैग मार्च किया और लोगों को सुरक्षित मतदान का भरोसा दिलाया। बाबूलाल चौराहे से शुरू हुआ फ्लैग मार्च सदर बाजार होता हुआ शहर के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से गुजर। फ्लैग मार्च में सिविल पुलिस के अलावा सीआरपीएफ के जवान और पीएससी बल भी मौजूद रहे। ये आयोजन था, एक फ्लैग मार्च था पैरामिलिट्री फोर्स के साथ, हमारे सीओ सदर, सीओ सिटी और तमाम फोर्स थी। ये रूट मार्च किया गया और ये विश्वास व्यक्त किया गया कि शहर में कोई भी असामाजिक तत्व जो भी चुनाव में गड़बड़ी कराने सोच भी रहे हैं उनके लिए एक मैसेज था और लोगों में, मतदाताओं में विश्वास जगाया करने के लिए आप आराम से मतदान कीजिए, उस दिन की व्यवस्था अच्छी रहेगी। ये पूरे चीज़ों को ध्यान में रखकर फ्लैग मार्च किया गया था। इस तरह के फ्लैग मार्च आपको हर जगह हर सर्किल में की जा रही है, संबंधित एसपीओ और एसओ द्वारा की जा रही है और कुल मिला के इसका उद्देश्य है कि मतदान सफल संपन्न हो और शांतिपूर्वक हो और किसी तरह रुकावट भी न हो। बांदा से अरबाज खान की खास रिपोर्ट।